हेलो फ्रेंड्स, आइए छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा मॉनसून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, शॉर्ट रिवीजन होगा। बाकी लॉन्ग रिवीजन तो आपको करना ही है, आपको पता है, मैं शॉर्ट रिवीजन करा लेता हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, मतलब कनेक्ट रहे हम कि हाँ हम ऐसे इसी तरह से चले आ रहे हैं। तो आप बोलोगे वो कौन सा टॉपिक था, ये कौन सा टॉपिक है, तो इसीलिए कनेक्टिविटी बना रहना चाहिए। हम लोगों ने फर्स्ट से पहले मैंने मॉनसून स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था मॉनसून के ऊपर, तो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो अगर आपको वो समझा रहेगा क्या क्या पढ़ने वाले, तो उसके हिसाब से मैं एक एक पॉइंट कवर करते चल रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ में आता रहेगा कि पश्चिमी विक्षोभ मैंने पढ़ा, सर्दियों में वर्षा कहाँ कहाँ होती है, सर्दियों में वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है वो मैंने बताया था, फिर गर्मियों में वर्षा, सॉरी सर्दियों में वर्षा, पश्चिमी कौन कौन सी हवाएं ऐसी हैं। आप अच्छा, मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ जिसके आंसर आप मुझे कमेंट करके करेंगे, ठीक है। तो आप पहले मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ा के कुछ मतलब नहीं अगर आपको वो चीजें आएंगी नहीं, ठीक है। अगर नहीं आती है तो प्लीज वापस से जाके वीडियो को देखो, क्योंकि वही चीजें वापस से मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि इंडिया में सर्दियों में वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है और किन हवाओं से होती है, तो कौन कौन सी हवाओं से, पूर्व उत्तर की हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से हवाएं होती हैं, ठीक है, प्रक्षोभ से हवाएं होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती है ये भी मैंने वहां पे बताया था, तो आप मुझे बताएंगे, और पूरी पश्चिम से कहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है, सारा तो दे दिया पर फिर भी आपको हटाना चाहिए। तो उत्तर पूर्वी हवा, ठंड, सर्दियों में वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है, गर्मियों में वर्षा कहाँ कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं कौन सी जगह पे कम वर्षा करती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करती है, तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की सखाएं कहाँ कहाँ पे वर्षा करती है, सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल कहाँ पे वर्षा करती है, मेघालय में तीन पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया कौन सी पहाड़ी पे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो ये हो गए मॉनसून, ये सब सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, जितने क्वेश्चन पूछे उसके प्लीज मुझे कमेंट आंसर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई सीरियसली कर रहे हैं। तो अगर सीरियस पढ़ना है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। तो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ा, साइक्लोन के बारे में बताया कि साइक्लोन किस तरह से बनता है, पूर्वी तट पे क्यों बनता है, इसको निर्माण कैसे किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है, इसको ऊष्मा कहां से मिलती है, इस सारे पॉइंट्स मैंने वहां पे क्लियर करा के दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करना है, वहां पे जाना है और पहले उन वीडियो को देखना है, और वो क्लियर करने के बाद ही आपको यहाँ पे आना है। क्यों क्यों ऐसा, क्योंकि अब बीच से पढ़ोगे तो आपको समझेगा नहीं। अगर हम जब तक हिंद, अगर आपको बुक पढ़नी है तो पहले आप क्या पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में पढ़नी है तो एबीसीडी पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ने तो क पढ़ेंगे, बट अगर डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश में चलेंगे तो आप पढ़ पाएंगे नहीं। तो इसीलिए मॉनसून अगर समझना है तो कहाँ बारिश नहीं हो रही, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा कहाँ कहाँ पे बारिश नहीं हो रही, इसको समझने से पहले आप समझिए कि बारिश कहाँ कहाँ पे हो रही है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए टॉपिक का नाम डालते हैं कि मतलब हम कहाँ कहाँ पे, आज हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया में किन किन जगहों पे वर्षा पहुंच नहीं पाती, बहुत ज्यादा कम पहुंचती है, जो कि हमेशा सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना बारिश। मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे माउंटेन है वहां पे बारिश होना ही है, और पश्चिमी घाट में बहुत बारिश होती है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, मेघालय में इतनी सारी बारिश होती है क्योंकि वहां पे तीनों पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंती है वहां पे इतनी बारिश है, हिमालय पे बर्फ गिरता है हमेशा, क्यों, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा ऊंचाई है, हवाएं आपस में ऊपर उठती हैं और जम जाती है, क्यों, क्योंकि उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उसी तरह से बारिश कहाँ कहाँ पे नहीं होती है वो हम देख लेते हैं। चलिए, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जब भारत में एंट्री करती हैं तो पश्चिमी तट पे झंझोर वर्षा करती है, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा करती है, 250 ml वर्षा करती है, उससे ज्यादा 250 ml से ज्यादा वर्षा करती है, और इन पहाड़ियों को पार करते करते उनकी जो नमी होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्या हो जाती है, नमी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया था ना कि जब हवाएं इस तरह से ऊपर जाती हैं तो हवाओं का वजन नीचे क्या होता है, सरफेस गर्म होता है, जब वो हवाएं टकरा के ऊपर उठती हैं, जब वो हवाएं ऐसे टकरा के ऊपर जाती हैं तो ऊपर वो कंडेंसेशन करती है, मतलब जमती है, संघनन करती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन मतलब उसमें जमते हैं और बादल में क्रिएट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो किसमें रूप बदल देते हैं, बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बूंदों के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वो बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये माउंटेन्स की ऊंचाई क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश स्टार्ट रहती है, ठीक है, और कब तक बारिश करती है, जब तक उसकी जो ऊंचाई है वो माउंटेन से ऊपर नहीं उठ जाती, और जैसे ऊपर उठती है तो इस तरह से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और उनके अंदर नमी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा कर पाती है,
सबसे सूखा क्षेत्र क्या है महाराष्ट्र का? विदर्भ। ठीक है, विदर्भ में बहुत कम वर्षा होती है, यहाँ के किसान ज्यादातर सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसान इसलिए सुसाइड करते हैं कि बेचारे सोचते हैं कि पहले हम कर लेते हैं, शायद इस साल वर्षा हो जाए, इसी उम्मीद में खेती स्टार्ट कर देते हैं लोन लेके। जब वो खेती करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि बारिश होती ही नहीं है, तो जब बारिश नहीं हुई तो पूरी की पूरी खेती नष्ट हो जाती है और उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है। तो विदर्भा एक बहुत बड़ा केस है हमारा, वहां पे किस तरह से सिंचाई को पहुंचाया जाए ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब बोलते हैं कि इसके ऊपर काम चल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, तेलंगाना बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है, अभी उतना नहीं है जितना पहले था, अभी सुधार हो चुका है। तेलंगाना, कर्नाटक का तेलंगाना, ये भी उसी सूखा क्षेत्र है, यहाँ पे भी बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हवा यहाँ पर पहुंचती है तो मैंने आपको बताया था कुछ हवाएं इस तरह से मुड़ जाती है, ये साइड उत्तर की साइड पे, तो इस साइड जब उड़ती है तो पश्चिमी उत्तर की साइड पे जब उड़ती है तो यहाँ पे तीन पहाड़ियों से टकराती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मांडवी पहाड़ी से टकराती है और गारो पहाड़ी से, यहाँ पे नहीं गारो नहीं उसका नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तीन पहाड़ियां थी उनसे टकरा के वर्षा करती है और फिर आगे की तरफ जाती है, बट यहाँ पे अरावली पर्वत क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीधे चले जाती है, ना कि राजस्थान में वर्षा कर पाती है, और राजस्थान में वर्षा नहीं करती है, आगे की तरफ निकल जाती है, बट यहाँ पे माउंट आबू गुरु शिखर पे माउंट आबू पे वर्षा करती है, पिछले टाइम मैंने बताया था, तो हवाएं सीधे निकल जाती है, तो जिसकी वजह से ये हवा यहाँ वर्षा नहीं करती है और यहाँ पे वर्षा नहीं करती, बट यहीं पे वर्षा करती है और बीच में थोड़ा सा यहाँ जो सीधे निकल जाती है, और ये हवाएं कहाँ कहाँ पे वर्षा करती है, ये हवाएं यहाँ पे वर्षा करती है, फिर यहाँ से कोलकाता दिल्ली तक सब जगह वर्षा करती है, यही हवाएं थोड़ा सा ज्यादातर हवा जो वर्षा करती है, यहाँ पे वर्षा कोई नहीं करता, यहाँ पे कौन वर्षा करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया चक्रवात के थ्रू वर्षा होती है, साइक्लोन के थ्रू, और दूसरा लौटते मानसून की वजह से यहाँ पे वर्षा होती है, 15 अक्टूबर तक वर्षा मजबूत यहाँ पर हो जाती है। तो विदर्भा और तेलंगाना और नॉर्थ कर्नाटक ये सूखे क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि वो हवाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती, और पहुंचती है तो बहुत ज्यादा वर्षा नहीं कर पाती है क्योंकि उनमें नमी बहुत ज्यादा कम रह जाती है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे सूखे क्षेत्र है, महाराष्ट्र का विदर्भा, तेलंगाना और नॉर्थ कर्नाटक का। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वनस्पतियों की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कटीली वनस्पतियां पाई जाती है, मतलब वनस्पतियां हरी भरी नहीं होती, बट आप इस साइड जाओगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है और बहुत हरी भरी पत्तियां पाई जाती है, यहाँ पे भी बहुत हरी भरी पत्तियां पाई जाती है जो कि सदाबहार वन जिनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पत्तियों को भरपूर पानी मिलता है तो ये हर समय खिले रहते हैं, इस समय यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, हर जगह बारिश के समय बारिश बहुत मजबूत होती है जिसकी वजह से, और गर्मी भी इतना यहाँ पे नहीं होती है जिसकी वजह से इनकी पत्तियां बनी रहती है, बट अगर इन क्षेत्रों की बात करोगे तो आप यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि ये बीच में पड़ जाते हैं ना, बीच में पड़ने की वजह से ना ये हवा यहाँ तक पहुंचती है तो नमी खत्म हो जाती है, ये हवा यहाँ पहुंचती है नमी खत्म हो जाती है, बाकी यही जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादा वर्षा इसीलिए होती है, इस जगह पे हमेशा ज्यादा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे जब वो हवा इस तरह जाती है तो बहुत ज्यादा नमी लिए रहती है और यहाँ तक यहाँ के बीच में कोई भी लाइन पड़ता नहीं है, और जब यहाँ पे टकराती है तो बहुत ज्यादा वर्षा वो गिरा देती है। ठीक है, तो आपको ये तीन नाम समझ में आ गए कहाँ कहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है, तीन क्षेत्र वृष्टि छाया के प्रदेश है, वृष्टि छाया। ठीक है, यहाँ जाकर रेनफॉल नहीं होता, तो वर्धमान विदर्भा तेलंगाना और नॉर्थ कर्नाटक। ठीक है, तो कुछ प्रश्न मैं अभी आपको पूछ लेता हूँ, आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, पश्चिमी तट की लंबाई कितनी है, पश्चिमी तट पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू पर्वत कहाँ स्थित है, लद्दाख और झांसकर के बीच कौन सी रिवर फ्लो करती है, इंडस रिवर की लंबाई बताइए, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइए, पहली बताइए, इंडस रिवर की सबसे लंबी सहायक नदियां कौन सी है, यमुना रिवर कहां से निकलती है, गंगा रिवर किन दो नदियों से मिलकर बनती है और कहां मिलती है, पद्मा रिवर किस रिवर को बोला जाता है और किस जगह पे बोला जाता है, सतपुड़ा रेंज पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्य पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, छोटा नागपुर का पठार कहां पे स्थित है, किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, किन किन स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन अगर बनाने जाओगे मेरे लेक्चर के तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटेंगे ना एग्जाम के थ्रू, बट अभी मैंने जितने पूछे प्लीज कमेंट करिए, इसमें जो इतने भी आते हैं उतने करिए, जरूरी नहीं पूरे करने हैं, जितने आपको आते हैं उतने कमेंट करिए मुझे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, अब ये टॉपिक खत्म, आज से मानसून का चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद हम वनस्पतियों पे चलेंगे या तो मृदा पे चलेंगे, मिट्टी पे, सॉइल पे चलेंगे और सॉइल को पूरी तरीके से जानकारी लेंगे कि सॉइल कहाँ कहाँ पे किन रंग के पाए जाते हैं, सॉइल रेड ब्लैक
कौन से सोए ज्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ पे कम है, कौन सी खेती के लिए अनुकूल होते हैं, कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है, रबी फसलें कौन सी होती है, खरीफ फसलें कौन सी होती है, ये सारी चीजें हम वृद्धा में पढ़ेंगे। उसको भी कम से कम 5-6 वीडियो में खत्म करेंगे। क्यों खत्म करने का मतलब ये नहीं कि मैं एक वीडियो में भी खत्म कर सकता हूँ, बट आपके साथ मैं ना इंसाफी ना करूँ, आपको सारी चीजें डीप में पढ़ा के दूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, 4 से 5 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई चीजें छूट ना पाए। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।